हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं अपना छोटा सा हार्वेस्टिंग दिखाने जा रही हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और कितना अच्छा अच्छा फ्लावर खिला हुआ है। देखिए, बहुत ज़्यादा खिल रहा है ये सब। और देखिए 4 o'clock, ये सुबह में काफ़ी अच्छा खिले हुए रहते हैं। और इतना ज़्यादा सीड इसमें से गिर रहा है फ्रेंड्स, कि सीड गिर गिर के इसमें कितना पौधा निकल गया है। और देखिए, ये मेरी गोल्ड कटिंग का लगा हुआ सब। अभी थोड़ा सा फ्लावरिंग कम हो रहा है फ्रेंड्स हिबिस्कस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीला पत्तियाँ होके गिर रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सब लग रहा है। अभी देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। इतना ज़्यादा धूप हो रहा है यहाँ कि मैं क्या बताऊँ। देखिए कितना अच्छा खिला हुआ है मेरा कनेर। देखिए, मेरी गोल्ड जो सेपलिंग से लगाई थी फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन बहुत दुख हो रहा है, छोटा फ्लावर निकल गया है। मैं बड़ा फ्लावर सोच के लाई थी, लगभग 40 पौधा मैं लगाई हूँ, लेकिन सब छोटे निकल गए हैं। तो मैं दूसरे दिन जाऊँगी तो ले आऊँगी लड्डू मेरी गोल्ड। और देखिए, ये सब मोगरा अब फ्लावरिंग कम कर दिया है। और मैं क्या कि सब पॉट को खाली करके ग्रो बैग में लगा दी हूँ, जो आटा की थैली होती है। और देखिए, सब साग अपने से निकल रहा है। और 2-3 दिन पहले ये मैं घर का मेथी डाली थी फ्रेंड्स, जो फ़ौरन के लिए आती है। और 3 दिन में ही ये देखिए ग्रो होना शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा है, इस सीज़न में मेथी लगाना चाहिए। और इधर देखिए, मैं कटिंग लगाई थी सब, तो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है कटिंग में। और इसी में एक हिबिस्कस का भी कटिंग काफ़ी अच्छा हो गया है। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है जब पौधा कटिंग से ग्रो होते हैं। तो सब मैं ग्रो बैग में अभी कर दी हूँ, क्योंकि अभी विंटर फ्लावर लगाना है। और देखिए, पालक और धनिया कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो आज मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा हार्वेस्ट करने आई हूँ, क्योंकि घर का पालक बहुत अच्छा होता है, ऐसे बच्चे नहीं खाते हैं। और पालक पनीर ये सब मैं बनाने से बच्चे खा लेते हैं। देखिए, धनिया कितना अच्छा हो गया है। तो आप लोग भी ज़रूर लगाइए थोड़ा सा भी। देखिए, मैं भी थोड़ा सा लगाई हूँ, इतना से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अपना गार्डन का। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़रूर ये सब उगाना चाहिए। देखिए, मैं भी 2 कंटेनर में ही उगाई हूँ। और देखिए, धनिया कितना अच्छा लग रहा है। और धनिया में ही ये साग का सीड होगा, तो ये गिर के देखिए निकल गया है। और ये लेडी फिंगर देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो जितना भी खाली जगह मुझे मिला, उतना में मैं मेथी लगा दी। बस ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ, स्प्रिंकल कर दी हूँ, और 2-3 दिन में ही निकल गया है। इस बार मैं फुलाई भी नहीं हूँ। और देखिए, ये मेरा इसमें हिबिस्कस का कितना अच्छा प्लांट ग्रो कटिंग लग गया है हिबिस्कस का। देखिए, अब फ्लावरिंग पर आ गया है। तो इसको मैं बाद में पॉट में कर दूँगी, अभी ग्रो बैग में ही रखी हूँ। सब जो नमकीन का पैकेट आती है फ्रेंड्स, वही है। और आटा के थैली में सारा मोगरा प्लांट को मैं की हूँ। 8-10 मोगरा प्लांट है मेरा, तो सबको मैं आटा के थैली में कर दी। और बाद में मैं लगा दूंगी, या नर्सरी जाऊंगी तो और पॉट लाऊंगी। ऐसे 2-3 महीना इसमें भी अच्छा से चल जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा गार्डन। अभी थोड़ा सा पत्तियाँ गिरा दिया है सब पौधा, क्योंकि अब इनका डोरमेंसी पीरियड आ रहा है। और देखिए, पालक है कितना अच्छा ग्रो हो गया है, बहुत अच्छा ग्रो हो गया है। तो मैं थोड़ा सा इसमें से तोड़ के ले जा रही हूँ, तो मैं सोची कि आप लोग से भी शेयर कर दूँ कि देखिए कितना बड़ा बड़ा ये प्लांट हो गया। और बिना कोई फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल कंपोस्ट में लगाई हूँ। और थोड़ा सा काउडंग जो आप लोग के सामने मिक्स करके लगाई थी, उसी से इतना बड़े हो गए हैं। और अब हार्वेस्टिंग के बाद मैं थोड़ा सा इसमें काउडंग लिक्विड डालूँगी, तो फिर से दोबारा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। और इधर जितना भी लेडी फिंगर डाले हूँ, सब में डालूंगी लिक्विड। और लिक्विड मैं बना के रखी हूँ, क्योंकि काफ़ी काढ़ा हो गया था मेरा काउडंग, तो मैं 5-6 दिन से उसको पानी में भिंगो के रखी हूँ। और उसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी सरसों की खली, तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट होगा। आप लोग भी यही डालिएगा, थोड़ा सा नीम खली भी मिक्स कर दीजिएगा। और देखिए, पालक बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको ये सब ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। तो आप धनिया के चटनी में भी 1-2 डाल सकते हैं। इसका पालक पकौड़ा भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। इसका एक एक पत्ता का
बेसन में डाल के आप इसको तल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है धनिया के चटनी के साथ और इमली के चटनी के साथ। क्योंकि जो मैं बनाती हूँ वही आप लोग से शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे गार्डनिंग के साथ साथ कुकिंग करना भी बहुत पसंद है। मैं हर चीज़ अपने बच्चों को घर में बना के खिलाती हूँ और बच्चे को अलग अलग ट्रिक अपनाती हूँ। जो बच्चे साग नहीं खाते हैं तो वही सब मैं करती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं, और आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें और क्या क्या ग्रो हो रहा है, जो भी सीड में गिरे हुए होते हैं, जो नर्सरी से सीड आता है, जो सीड वो लोग लगाते हैं सब इसमें ग्रो हो जाता है, अलग अलग पौधा निकलता है। कुछ पौधा को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, ऐसा ऐसा पौधा निकलता है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें भी सदाबहार बहुत ज़्यादा फिर से ग्रो हो रहा है, तो एक बार अगर लगा दीजिए तो ये आपके गार्डन से जाने वाले नहीं है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है अपना घर का साग, इतना काफ़ी है पालक पनीर के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के ले जाऊंगी, और साग के लिए मैं बाहर से मंगाती हूँ खरीद के, और छोटा छोटा चीज़ के लिए मैं यहाँ से तोड़ के ले जाऊंगी और एक कंटेनर में और लगाऊंगी। थोड़ा सा इसका सीड जो बचा हुआ है, और धनिया देखिए कितना सुंदर हुआ है, एक भी कीड़ा नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, एकदम फ्रेश फ्रेश है फ्रेंड्स। देखिए बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इसके अंदर से। तो इसका चटनी और पालक पनीर या पालक पकौड़ा बहुत टेस्टी होता है, और आप इसको सॉस से भी खा सकते हैं, मीठा चटनी से भी खा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए कितना ज़्यादा सदाबहार निकल रहा है, तो यही थोड़ा सा शेयर करना था आप लोग से, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ शेयर करना अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग नहीं लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। देख के देखिए बहुत प्यारा है, अभी ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है लेकिन छोटा में ही ये काफ़ी अच्छा लगता है देखिए। और एक दिन मैं और तोड़ के ले गई थी इसमें से, और देखिए ये पोए का साग कितना अच्छा इसका पत्ता निकल रहा है, देखिए बहुत अच्छा निकल रहा है। तो इसको तो मैं सेव रखूँगी, और देखिए थोड़ा सा चना खराब हो गया था मेरा तो वो भी मैं डाल दी इसमें। तो कुछ तो पिजन लोग खा गए हैं, कुछ जो बचे हैं वही निकलेंगे। तो जो भी ख़राब होता है समझिए कि ये मेरे घर का गाय है, जो भी ख़राब होता है मैं इसमें ला के डाल देती हूँ और सब निकल जाते हैं। नहीं भी निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा मिट्टी बना देते हैं। और देखिए मोस रोज मैं भरी थी और ये सब फिर से निकल गए हैं। तो पालक लगाने के बाद फिर से मोस रोज ग्रो हो जाएंगे, पालक हटाने के बाद देखिए काफ़ी निकल रहे हैं देखिए। और इधर सब अलग अलग साग निकलता है, इसको मैं हटा देती हूँ फिर निकल जाता है सीड गिर गिर के, और काफ़ी दूसरे कंटेनर में भी निकला है। और देखिए इतना ज़्यादा हार्वेस्ट कर ली मैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ें लगानी चाहिए अपने गार्डन में, बहुत अच्छा लगता है। देखिए इधर टमाटर खुद से ग्रो हुआ है, मैं लगाई नहीं हूँ, दो पौधा अपने से ग्रो हो गया है, और बॉटल में भी काफ़ी छोटा छोटा निकल रहा है कंपोस्ट से। देखिए कितना अच्छा अच्छा फ्लावर खिला हुआ है फ्रेंड्स। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।